हेलो गाइज, नमस्कार। मैं आप लोग को स्किल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कान के बहने के बारे में। दोस्तों, अगर आपका कान कितना भी दिनों से क्यों ना बह रहा हो, या कितना भी पुराना क्यों ना बह रहा हो, या आपको 3 साल से या 4 साल से आपको कान क्यों नहीं बह रहा है, दोस्तों आपको मैं एक ऐसा घरेलू टिप्स बताऊँगा जिसके उपयोग से आपका कान हमेशा के लिए बहना बंद हो जाएगा, आपका कान 100% ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस घरेलू नुस्खा के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। आपको ये घर पे ही उपलब्ध हो जाएगा, आपको बाजार में भी इसको लेने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको इस टिप्स को जानने के लिए आप मेरे वीडियो अंत तक देखिए और मेरा चैनल एसके हेल्थ को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हम जानते हैं इस वीडियो में कि कान के बहने के सबसे पहले कारण क्या है और लक्षण क्या है, उपचार क्या है। कारण के बारे में जानते हैं कान क्यों बहते। दोस्तों, खसरा, काली खांसी जैसे रोगों को कारण तथा टाइफाइड या जुकाम और कंठशूल की बीमारियों वाले रोगियों को यह रोग अधिक होता है। दोस्तों, यह बच्चों में रोग प्राय हो जाता है। कान में धूल मिट्टी इत्यादि से अवरोध के कारण और सर्दी के कारण यह रोग हो जाया करता है। दोस्तों, यह कान के बहने के कारण। अब इसका लक्षण जानते हैं। दोस्तों, यह कान से द्रव बहना, कान में पीड़ा होना, सर्दी के साथ बुखार आ जाना, कान में शुष्क आवाज़ होना, कान के पर्दों पर दुष्प्रभाव आदि कान बहने के मुख्य लक्षण होते हैं। दोस्तों, ये कान बहने के लक्षण हैं। कान जब बहते हैं तो कान से द्रव आता है, कान में पीड़ा होता है, सर्दी के साथ बुखार आ जाता है, कान में शुष्क आवाज़ आने लगता है, कान के पर्दे के पर दुष्प्रभाव आते हैं। दोस्तों, अब हम इसे कान बहने के उपचार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप मेरे वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर सरसों का तेल दिख रहा है और हल्दी दिख रहा है। सरसों को तेल को आप 1 चम्मच या 2 चम्मच ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाइए और उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद दोस्तों, आपको सोने से पहले आपको उसमें 2 बूंद उसमें गिराना है, यानी डालना है। डालने हाथ दोस्तों, इसको डालते ही आपको 3 से 4 दिन में आपके कान की बहना 100% ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपको ये 100% ठीक हो जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको ये 2-2 बूंद हल्दी और सरसों के तेल को गर्म करके लगाना है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके दूसरे के उपचार के बारे में। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको तरपिन का तेल दिख रहा है। तरपिन का तेल अच्छे कंपनी को होना चाहिए। ये तरपिन के तेल को दोस्तों आपको कान को में 4 बूंद सुबह और शाम डालना है। इससे आपको कान के बहना 100% ख़त्म हो जाएगा, आपका कान स्वच्छ और बहना रुक जाएगा। ये आपको 3-4 दिन में ये रोग ख़त्म हो जाएंगे 100%। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके तीसरे के उपचार के बारे में। दोस्तों, आपको स्किन पर फिटकरी दिख रहा है और प्याज दिख रहा है। दोस्तों, आपको फिटकरी को क्या करना है, पानी में घोल देना है। घोलने के बाद उसी पानी से जिस पानी में आप फिटकरी घोले हैं, उस पानी से आपको कान को साफ कर लेना है। कान को साफ करने के बाद दोस्तों, आपको प्याज को काट कर उससे उसको रस निकाल लेना है जो आपके स्किन पर दिख रहा है। उस रस निकालने के बाद दोस्तों, आपको सोने से पहले प्याज के रस 3 से 4 बूंद रोज डालना है। इस तरह से करने से आपको दोस्तों, पहले आपको फिटकरी के पानी से कान साफ करके उसके बाद प्याज का रस 3 से 4 बूंद रोज आपको डालना है। इस तरह से करने से आपको 3 से 4 दिन में कान बहना 100% ख़त्म हो जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एकदम आयुर्वेदिक है, ये घरेलू टिप्स है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।